अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शागुब एजुकेशनल चैनल। दिस इज योर फिजिक्स टीचर एस एम नासिर शाह। ओके स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम अनदर टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT। एनी साइंटिफिक मैथड, टेक्निक्स एंड टूल्स यूज फॉर प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, रिट्रेवल एंड स्टोरिंग वेस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेकेंड। कोई भी साइंटिफिक मैथड हो, कोई टेक्निक हो या टूल हो जो इस्तेमाल किया जाए किसी भी डेटा को प्रोसेसिंग के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, रिसेप्शन के लिए, रिट्रीवल के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, जो भी उसकी वेस्ट अमाउंट होगी इन्फॉर्मेशन की विद इन अ सेकेंड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम। आप जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम को यूज करते हैं इस टर्म इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ICT। और ICT जो है वो टू फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट, एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक है टेली कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डिस्कस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साइंटिफिक मेथड यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल करते हुए हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, टू अरेंज इट, उसको प्रॉपर अरेंज करते हैं, यूज एंड टू कम्युनिकेट इट टू अदर्स, और दूसरों से क्या करते हैं उसको कम्युनिकेट करते हैं, शेयर करते हैं, इस कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और वेन एवर वी टॉक अबाउट टेली कम्युनिकेशन, सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द टेली कम्युनिकेशन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द मैथड दैट इज यूज टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, ऐसा मेथड जिसको हम जो है कि किसी भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए टू फॉर ऑफ प्लेसेस, दूर दराज जगह पे इंस्टेंटली, बहुत ही कम टाइम में। इसको हम क्या कहते हैं, टैली कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, इट इज एन इंफॉर्मेशन कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको हम कहते हैं CBIS। इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट यूटिलाइज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको यूटिलाइज किया गया है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बेस पर, जो कि वेरियस फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सच अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स, दरअसल इसके कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ CBIS एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हार्डवेयर। हार्डवेयर इंक्लूड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हार्डवेयर एक्चुअली CPU पर इंक्लूड से बेसिकली बेस कर रहा है, एंड ऑल ऑफ इट्स सपोर्ट इक्विपमेंट, और जितने भी इक्विपमेंट है इसको सपोर्ट करते हैं, विच आर, जिसको हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं, एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं। दीज आर ऑल द कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर एक्चुअली। और अगर हम वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर, सो सॉफ्टवेयर इंक्लूड कंप्यूटर प्रोग्राम, और सॉफ्टवेयर जो है वो इंक्लूड है कंप्यूटर प्रोग्राम में, एंड एप्लीकेशन दैट सपोर्ट हार्डवेयर, जो कि हार्डवेयर के एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। दे प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर हार्डवेयर टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा, और ये मीनिंगफुल हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है ताकि जो है वो ये मीनिंगफुल डेटा, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सके डेटा से। प्रोग्राम्स आर जनरली सेव्ड इन स्टोरेज डिवाइसेस, और जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आमतौर पर स्टोरेज डिवाइसेस में सेव होते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ डेटा की, तो डेटा आर फैक्ट्स एंड फिगर नीडेड बाय प्रोग्राम। डेटा एक्चुअली वो फैक्ट एंड फिगर हैं जो प्रोग्राम के लिए नीडेड होते हैं, प्रोग्राम के लिए जरूरत है, सो दैट इट कैन प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। सो इसके हेल्प से हम जो है वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में होते हैं, ग्राफिक की फॉर्म में होते हैं, फिगर की फॉर्म में होते हैं, दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग। इनकी जो है वो अपनी स्पेसिफिक मीनिंग है। डेटा आर जनरली स्टोर्ड इन मशीन रीडेबल फॉर्म ऑन डिस्क और टैब। डेटा एक्चुअली क्या है, डेटा का जो एक जो भी स्टोर्ड होगी वो डेटा मशीन के अंदर वो रीडेबल होगा, और डिस्क पर रीडेबल होगा या कोई टेप होगा, सही है, उसके ऊपर जो है वो रीडेबल होगा, जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको सेव किया गया होगा। प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोसीजर एक्चुअली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है एंड रूल्स हैं जो कि डिजाइन किए जाते हैं एंड यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए। दे मे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये प्रोसीजर टाइम टू टाइम चेंज होता है। द इन्फॉर्मेशन सिस्टम मस्ट बी फ्लेक्सीबल टू इनकॉर्पोरेट दीज चेंजेस, और जो भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है वो फ्लेक्सीबल होना चाहिए ताकि जो तब्दीलियाँ आ रही हैं प्रोसीजर के अंदर वो उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो यूज हो सके। पीपल की बात करें स्टूडेंट, तो पीपल डिजाइन एंड ऑपरेट द सॉफ्टवेयर। पीपल एक्चुअली जो है वो डिजाइन करते हैं, ऑपरेट करते हैं सॉफ्टवेयर को, डेटा को एंटर करते हैं, बिल्ड द हार्डवेयर, हार्डवेयर को बिल्ड करते हैं, राइट प्रोसीजर फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ एनी CBIS, और CBIS यानी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए प्रोसीजर को लिखते हैं ताकि वो एक रनिंग स्मूथ वे में प्रोसीजर कंटिन्यू हो सके। इट इज अल्टीमेटली पीपल हु डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ CBIS। इनपुट डिवाइस की अगर हम स्टूडेंट बात करें,
तो द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू कमांड द डेटा टू द कंप्यूटर, जो भी ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर को कमांड प्रोवाइड कर रही है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है, वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगी, जिसके अंदर जो है वो माउस है, जॉयस्टिक है, कीबोर्ड है। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो स्टूडेंट द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू डिस्प्ले प्रोसेस्ड द डेटा, ऐसी डिवाइसेस जो कि इस्तेमाल हो रही हैं जो भी डेटा प्रोसेस हुआ है उसको डिस्प्ले करने के लिए, उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहेंगे, जिसमें लाउड स्पीकर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, एक्सेट्रा। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम स्टूडेंट बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअली कंप्यूटर प्रोग्राम की एक टाइप है, दैट इज डिजाइन टू रन अ कंप्यूटर, जो कि डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर को रन करने के लिए, कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करने के लिए, उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। एप्लीकेशन भी कंप्यूटर प्रोग्राम की ही टाइप का सॉफ्टवेयर है, दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक पर्सनल एजुकेशनल एंड बिजनेस फंक्शन, जो कि पर्सनल एजुकेशनल एंड बिजनेस फंक्शन को परफॉर्म टास्क परफॉर्म करता है। ओके स्टूडेंट, वी हैव द डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द हार्डवेयर इज फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। जितने भी हार्डवेयर के फिजिकल कंपोनेंट हैं, कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल कंपोनेंट हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें, दे प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, ये हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं फॉर हार्डवेयर, हार्डवेयर के लिए टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फॉर्म डेटा, और डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करवाते हैं। हार्डवेयर इंक्लूड, जिसके अंदर सीपीयू है, इनपुट डिवाइसेज हैं, स्टोरेज डिवाइसेज हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं, जबकि सॉफ्टवेयर इंक्लूड सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर आर बेसिकली जितने भी जो हार्डवेयर की हम बात करें तो दे आर टेंजिबल और दे आर इनटेंजिबल, यानी कि जो फिजिकली टच किए जा सके वो टेंजिबल होते हैं, जो फिजिकली टच ना किए जा सके वो इनटेंजिबल होते हैं। दे आर डेवलप्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर मटेरियल, और इनको हार्डवेयर को डेवलप किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक और दूसरे मटेरियल को इस्तेमाल करने के लिए। दे आर डेवलप्ड बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शन, और इसको डेवलप किया जाता है कि आप कोई इंस्ट्रक्शन राइट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए। एग्जाम्पल क्या है? कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, मॉनिटर है, या एग्जाम्पल क्या है? एमएस वर्ड है, विंडोज और फोटोशॉप है। ओके स्टूडेंट, राइट नाउ वी हैव द डिफरेंशिएट अगेन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, डेटा आर रॉ फैक्ट दैट हैव नो स्पेसिफिक मीनिंग। डेटा एक रॉ फैक्ट है जिसकी कोई अपनी स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, जबकि इन्फॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस टू फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। डेटा का जो प्रोसेसिंग है वो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन है। इट इज अ मीनिंगलेस और इट इज अ मीनिंगफुल। डेटा मीनिंगलेस होता है, इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है। डेटा में इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डेटा को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जबकि इन्फॉर्मेशन इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना क्या है आसान है। डेटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, डेटा जो है वो इन्फॉर्मेशन का बेसिकली के लिए क्या है? इंडिपेंडेंट है, जबकि इन्फॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन डेटा, इन्फॉर्मेशन डिपेंड कर रहा है डेटा पर। डेटा इज नॉट इनफ टू मेक अ डिसीजन, डेटा काफी नहीं है डिसीजन लेने के लिए, इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है डिसीजन लेने के लिए। एग्जाम्पल क्या है? डेटा कलेक्टेड दैट ड्यू टू सेंसस, और एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? सेंसस रिपोर्ट। वी हैव द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक। किस साइंटिफिक मेथड यूज टू स्टोर एंड अरेंज इन्फॉर्मेशन फॉर प्रॉपर यूज एंड कम्युनिकेट इज कॉल्ड डैश। वी ए फॉर ऑप्शन राइट नाउ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा मैनेजमेंट, टेली कम्युनिकेशन या वर्ड प्रोसेसिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आप तमाम स्टूडेंट ने यकीन इसका आंसर सही मेंशन किया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द मेथड दैट इज यूज टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू फॉर ऑफ प्लेसेस। ऐसा मेथड जो कि इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और फॉर ऑफ प्लेसेस इंस्टेंटली वर्क कर रहा है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, डेटा मैनेजमेंट होगा, टैली कम्युनिकेशन होगा, वर्ड प्रोसेसिंग होगा। आई होप कि आप तमाम स्टूडेंट सही आंसर दे पाएंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टैली कम्युनिकेशन। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऑल कॉल्ड सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, एप्लीकेशन है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हार्डवेयर। दे आर फैक्ट एंड फिगर नीडेड बाय प्रोग्राम सो दैट इट कैन प्रोड्यूस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। सो वी हैव द फर्स्ट ऑप्शन राइट नाउ, डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, बोथ ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है। फैक्ट एंड फिगर की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट लेकिन आप तमाम स्टूडेंट सही आंसर दे पाएंगे कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विच इज डेटा। दे आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रूल टू डिजाइन एंड यूज इन्फॉर्मेशन प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन सिस्टम, पीपल है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोसीजर है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रोसीजर। द डिवाइस दैट आर यूज टू कमांड द डेटा टू कंप्यूटर आर नोन एज, आप तमाम स्टूडेंट्स का आंसर सही समझ गए होंगे, जो कि हमने अभी थोड़े पहले डिस्कस किया। आउटपुट डिवाइसेज होंगे, इनपुट डिवाइसेज होंगे, स्टोरेज डिवाइसेज होंगे या सॉफ्टवेयर होंगे, कोई ऐसे डिवाइसेज जो कि डेटा की कमांड को जो है वो कंप्यूटर को डेटा कमांड जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही हो, तो यकीन इनपुट डिवाइसेज का राइट आंसर होना चाहिए। सो द डिवाइसेज डेटा यूज टू, और जो प्रोसेसिंग होगा उसका रिजल्ट जो हमें डिस्प्ले पे मिलेगा वो आउटपुट होगा, इनपुट होगा,
स्टोरेज। तो आप तमाम स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन है आउटपुट डिवाइसेस। टाइम ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके स्टूडेंट, अगर मैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करूं तो ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल इक्विपमेंट, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की हेल्प से, इसको हम फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। वेरियस मीन्स आर एडॉप्टेड फॉर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इस तरह के कई जो है वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको हम जो है वो इनकी मदद से जो है वो इंफॉर्मेशन को फ्लो करवाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देर आर थ्री एसेंशियल पार्ट ऑफ एन एनी कम्युनिकेशन सिस्टम विच आर ट्रांसमीटर है या ट्रांसमिशन चैनल है। दे आर द डिवाइसेज दैट प्रोसेस द इनपुट सिग्नल। ट्रांसमीटर क्या होते हैं कि जो इनपुट सिग्नल को प्रोसेस करते हैं। फिर ट्रांसमिशन चैनल क्या होते हैं, इट इज अ मीडियम विच सेंड द सिग्नल। और ये वो ऐसा मीडियम है जिसमें हम सिग्नल इस मीडियम के थ्रू जो है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचाते हैं, सच एज कोएक्सियल केबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ऑप्टिकल फाइबर है। ओके स्टूडेंट, रिसीवर की अगर हम बात करें तो दे आर द डिवाइसेस दैट रिसीव एंड प्रोसेस द सिग्नल। ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं कि जो सिग्नल को प्रोसेस भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं और डिलीवर करते हैं ट्रांसड्यूसर तक। सिग्नल पावर प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस। सिग्नल पावर जैसे ही डिक्रीज होती है तो इसका सिग्नल पावर एक्चुअली डिक्रीज हो रही होती है डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ। सो रिसीवर में एम्पलीफाई इनपुट सिग्नल, इसलिए हमें रिसीवर पर एक एम्पलीफाई लगाना पड़ता है ताकि वो सिग्नल को क्या कर सके, एम्पलीफाई कर सके। एक एम्पलीफायर लगाना पड़ता है ताकि वो सिग्नल को क्या कर सके, एम्पलीफाई कर सके। ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव वेव थ्रू स्पेस की बात करूंगा मैं स्टूडेंट। तो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, हम इन्फो किसी भी इन्फॉर्मेशन के ट्रांसमिशन को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर करवा सकते हैं, आर डन बाय सुपर इम्पोजिंग दीज इन्फॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी इनको हम सुपर इम्पोज कर देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इन्फॉर्मेशन जो होंगी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में होंगी, आर फीड इन टू द ट्रांसमिशन एंटीनाज, जिसको फीड किया जाएगा ट्रांसमिशन एंटीनाज में, विच कंसिस्ट ऑफ टू मेटल लोड, जो कि दो मेटल लोड के ऊपर बेस करती है। दिस सिग्नल ऑक्सीलेट इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन द एंटीना। और ये सिग्नल एक्चुअली ऑक्सीलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस की फॉर्म में एंटीना में, विच क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव जनरेट कर देते हैं। दिस वेव कैन प्रोपगेट इन स्पेस, जो कि स्पेस में ये प्रोपगेट होने यानी आगे बढ़ने का जरिया बनते हैं, आगे बढ़ने का सबब बनते हैं। द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज सिलेक्टेड एंड एम्पलीफाइड बाय द रिसीवर एट द अदर एंड। और वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो हमने सेलेक्ट किया था और वो सिग्नल जो एम्पलीफाई होकर हमें मिलेगा दूसरे एंड पर, डीमॉड्यूलेटर एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मॉड्यूलेटर सिग्नल। तो डीमॉड्यूलेटर का काम क्या होगा कि वो इन्फॉर्मेशन जिसको हमने एम्पलीफाई करके आगे बुझाया था कैरियर के जरिए, मॉड्यूलेटेड फॉर्म बनाई थी हमने, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, डीमॉड्यूलेटर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और जो है उसको आगे रिसेप्टर पर डिलीवर करवा रहे हैं। रेडियो वेव्स आर कंटिन्यूसली रिफ्लेक्टेड बाई डिफरेंट लेयर्स। रेडियो वेव्स एक्चुअली क्या है, कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट करती हैं डिफरेंट लेयर के जरिए इन द अर्थ एटमोसफेयर, अर्थ एटमोसफेयर में। दिस लीड टू वीकन द सिग्नल, जिसकी वजह से सिग्नल वीक होता है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू बी रिसीवर, और रिसीवर तक सिग्नल को रिसीव होने में डिफिकल्टीज का सामना होता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। सो अनलाइक रेडियो वेव, माइक्रोवेव आर नॉट रिफ्लेक्टेड, दे आर यूज फॉर सेटेलाइट कम्युनिकेशन। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल थ्रू वायर्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इन्फॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू वायर। इन्फॉर्मेशन जो है वो वायर के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ सच ट्रांसमिशन इज टेलीफोन। और पहला जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर हम देखें कि हम टेलीफोन के जरिए सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, इन कन्वर्ट ऑडियो सिग्नल इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ऑडियो सिग्नल एक्चुअली कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में एंड ट्रांसमिटेड थ्रू वायर्स, और वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। मॉडर्न टेलीफोन हैज अ माउथपीस एंड एयरपीस। जितने भी मॉडर्न टेलीफोन है, स्मार्टफोन है, उनमें माउथपीस और एयरपीस मौजूद होता है। माउथपीस हैज अ थिन मेटेलिक डायफ्राम। माउथपीस एक्चुअली एक थिन मेटेलिक डायफ्राम बेस करता है और कार्बन ग्रेनल्स पर बेस करता है। ऑडियो सिग्नल सेट डायफ्राम इनटू वाइब्रेशन व्हिच कंप्रेसेस द कार्बन ग्रेनल्स एंड थस एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द वायर। सो इनसाइड द एयरपीस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसीव द इलेक्ट्रिक करंट एंड प्रोड्यूस अ वेरी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विच अट्रैक्ट द थिन मेटेलिक डायफ्राम इन द रिसीवर कॉजिंग इट टू वाइब्रेट। सो दिस वाइब्रेशन ऑफ द डायफ्राम प्रोड्यूस साउंड वेव्स। तो ये डायफ्राम साउंड वेव प्रोड्यूस कर देता है। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू अ ऑप्टिकल फाइबर। लाइट
लाइट वेव हैव अ मच हायर फ्रिक्वेंसी. लाइट वेव की फ्रिक्वेंसी जो एक्चुअली हायर होती है रेडियो के मुकाबले में. सो लाइट वेव कैरी इन्फॉर्मेशन फास्टर देन रेडियो. लाइट वेव जो है वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है फास्टर एंड तेज कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को रेडियो के मुकाबले में. रेडियो के मुकाबले में या माइक्रोवेव के मुकाबले में. सो ट्रांसमिशन चैनल फॉर लाइट वेव इज एन ऑप्टिकल फाइबर. तो ट्रांसमिशन चैनल लाइट वेव के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर की अगर हम बात करें कि ऑप्टिकल फाइबर इज वेरी थिन फ्लेक्सिबल रॉड मेड ऑफ स्पेशल ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक. सो इट कंप्राइज ऑफ एन इनर पार्ट विद हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. का जो इनर पार्ट इसको कंप्राइज किया जाता है जिसको हम कोर कोटेड कहते हैं विद अनदर मटेरियल कॉल्ड क्लैडिंग. इसको हम क्लैडिंग कहते हैं. लाइट पुट इट एन वन एंड. जब लाइट पुट की जाती है इसके वन एंड पर तो क्लैडिंग रिफ्लेक्ट लाइट इंटरनली इन द कोर. तो क्लैडिंग एक्चुअली लाइट को रिफ्लेक्ट करवाता है कोर के इंटरनली. इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो रहा है सो लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड इनटू द फाइबर ऑप्टिक्स. तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगी फाइबर ऑप्टिक्स में. और ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि एक्चुअली इट इज गोइंग टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो दिस बीम ऑफ लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल इट हिट द इनर वॉल अगेन एंड सो ऑन अंटिल इट कम आउट ऑफ द अदर एंड. और जब तक रिफ्लेक्ट करता रहता है जब ये दूसरे एंड से बाहर नहीं आया थी. ऑल दो सम लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द फाइबर. कुछ लाइट जो है वो फाइबर एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ जो है वो इट कम्स आउट ऑलमोस्ट एज वाइट एज इट गोज इन. और कुछ जो है वो रोशनी ब्राइटनेस की फॉर्म में जो है बाहर आ जाती है. इवन इफ द फाइबर इज सेवरल किलोमीटर लॉन्ग. चाहे फाइबर जितनी ही किलोमीटर लॉन्ग मौजूद हो दे आर यूज टू कैरी टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन सिग्नल. और बेसिकली फाइबर जो है वो टेलीफोन और कम्युनिकेशन सिग्नल को कैरी करती है. द एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज दैट इट कैन बी यूज फॉर सेंडिंग वेरी हाई डेटा. और इस ऑप्टिकल फाइबर का एडवांटेज क्या है कि आप इस डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस पे भी जो है वो एक हाई रेट के साथ सेंड करवा सकते हैं. ईच ऑप्टिकल फाइबर इन अ मल्टी मोड केबल इज अबाउट 10 टाइम. हर फाइबर जो है एक्चुअली मल्टी मोड केबल है और 10 टाइम थिकर है फाइबर ऑप्टिक यूज टू इन अ सिंगल मोड केबल. इन अ मल्टीपल मोड केबल लाइट बीम कैन ट्रेवल थ्रू द कोर बाय फॉलोइंग डिफरेंट पाथ्स. सो मल्टी मोड केबल कैन सेंड इन्फॉर्मेशन ओनली ओवर रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस एंड आर यूज टू लिंक कंप्यूटर नेटवर्क टूगेदर. अगर मैं फैक्स मशीन की बात करूँ सो अ फैक्स मशीन इज अ डिवाइस. फैक्स मशीन एक ऐसी डिवाइस है यूज टू ट्रांसमिट जो कि ट्रांसमिट करती है टेक्स्ट को ग्राफिक को वायर के जरिए. इट स्कैन अ पेज एंड कन्वर्ट इट टेक्स्ट. इसके किसी भी इसको ये बेसिकली फैक्स मशीन पेज को स्कैन करती है टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है एंड ग्राफिक में कन्वर्जन करती है. और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो भी आपका कन्वर्ट जो भी आपका टेक्स्ट है ग्राफिक उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसमिशन का जरिए बनती है. दीज सिग्नल आर देन ट्रांसमिटेड थ्रू टेलीफोन वायर. इन तमाम सिग्नल को हम ट्रांसमिट करवाते हैं टेलीफोन वायर के थ्रू. सो रिसीवर फैक्स मशीन कन्वर्ट दी सिग्नल. तो रिसीवर जो है वो जो फैक्स मशीन के जो रिसीवर है वो कन्वर्ट करते हैं सिग्नल को और प्रिंट कर देते हैं. जो भी आपने मैसेज भेजा होता है उसको वो प्रिंट की फॉर्म में भी दे देते हैं. फोटोफोन की अगर हम बात करें तो मॉडर्न वर्जन ऑफ फोन्स एनेबल यूजर टू व्यू ईच अदर फेसेस. मॉडर्न वर्जन भी फोन्स के आप देख सकते हैं कि यूजर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट जो है वो कंडीशन के ऊपर. दे आर कॉल्ड फोटो फोन और वीडियो फोन और कैमरा फोन. सो वी कैन कॉल आर फ्रेंड और फैमिली मेंबर बाय प्रेसिंग द पेड विद देयर फोटोज. सो थर्स वी कैन कम्युनिकेट विद आर रिलेटिव विद द फिजिकल अपेयरेंस ऑफ ईच अदर. तो हम बात करने के साथ साथ जो है वो एक दूसरे की फोटो भी देख सकते हैं और वीडियो पर भी बात कर सकते हैं. सेल फोन की अगर मैं बात करूँ तो सेल फोन आर बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन. सेल फोन जो एक्चुअली टू वे कम्युनिकेशन है रेडियो की. इट सेंड एंड रिसीव द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव. जिसको हम मैसेज को सेंड भी कर सकते हैं रिसीव भी कर सकते हैं रेडियो वेव्स की फॉर्म. वर्किंग की अगर मैं बात करूं तो अ सेल फोन हैज एन इंटीग्रेटेड ट्रांसमीटर. सेल फोन एक ऐसा इंटीग्रेटेड ट्रांसमीटर है और रिसीवर है. सो सेल फोन नेटवर्क सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बेस स्टेशन एंड मोबाइल स्विचिंग सेंटर एमएस. सो अ बेस स्टेशन इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम स्टेशन सेटअप एट अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन. सो सेवरल बेस स्टेशन आर कनेक्टेड टू अ एमएससी यूजिंग लैंडलाइंस. सो व्हेन अ यूजर कॉल हिज सेल फोन कन्वर्ट साउंड वेव इनटू रेडियो वेव. तो जब भी यूजर कोई कॉल करता है तो उसका सेल फोन जो है वो कन्वर्ट कर देता है साउंड वेव को रेडियो वेव में. और फिर वो रेडियो वेव जो है वो भेजी जाती है यूँ समझ लें कि फिर जहाँ रिसीव होती है वो फिर रेडियो वेव द्वारा साउंड वेव में कन्वर्ट करता है. सो द सिग्नल इज देन सेंड टू रिसीवर बेस स्टेशन थ्रू एमएससी. सो बेस स्टेशन ट्रांसफर सिग्नल टू रिसीवर सेल फोन विच कन्वर्ट द रेडियो वेव इंटू साउंड. तो हमें साउंड की फॉर्म में वो दोबारा मैसेज रिसीव हो जाता है.
Okay, student, we have the some MCQ related to examination point of view, as you can see on your screen. Okay, they are the devices that process the input signals. वो कौन से devices हैं जो input signals को process करती हैं? Transmitter हैं, transmission channel है, receiver हैं, या none of these हैं? So आप तमाम student इसका answer सही दे पाएंगे. So the correct option is option A, transmitter. ओके, इट इज अ मीडियम विच सेंड द सिग्नल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. ट्रांसमीटर होगा, ट्रांसमिशन चैनल होगा, रिसीवर होगा, नन ऑफ दिस होगा. सो स्टूडेंट, यकीनन आप इसका सही आंसर आपके जहनों में आ रहा होगा. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ट्रांसमिशन चैनल. दे आर द डिवाइसेज दैट रिसीव प्रोसेस द सिग्नल एंड डिलीवर इट टू द ट्रांसड्यूसर. सो वी हैव ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिशन चैनल है, रिसीवर है, या नन ऑफ दिस है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रिसीवर. इन 1876 एलेक्जेंडर ग्राम बेल इन्वेंटेड अ. अभी आपने इसको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने आपसे. टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, सिंपल या सिंपल टेलीफोन है, या इलेक्ट्रिक बेल. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सिंपल टेलीफोन. सेक्शन बी स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे बेस कर रहा है. अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, जिसको मैंने अभी आपसे इसी वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस किया. और ब्लू मार्कर से हेडिंग, ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आपने बोर्ड के एग्जाम्स में मेंशन करनी है. सो डिफाइन द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जस्ट मेन हेडिंग और गिव द डेफिनेशन. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, नेम डिफरेंट सॉफ्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का आपने डिफरेंशिएट देना है, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन का डिफरेंशिएट देना है. व्हाट आर द कॉम्पोनेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CVIS, सेक्शन सी, लॉन्ग क्वेश्चन पे बेस कर रहा है. आई होप स्टूडेंट यू आर डूइंग वेरी वेल आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक. और मैं उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट को अच्छे समझ में आ गया होगा. शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सर नासिर शाह को दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफिज.